क्या आपका थंब साइड ऑफ रिस्ट पेनफुल रहता है? और ये पेन कुछ ऐसा काम करने में जिसमें आपकी रिस्ट मूव कर रही हो उसमें बढ़ जाता है? इफ यस, तो आपको गेमर्स थंब हो सकता है। यू माइट हैव गेमर्स थंब, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में द क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। अ स्मॉल टेस्ट जिसको हम फिंकलस्टीन टेस्ट कहते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है गेमर्स थंब को डायग्नोस करने में। इस टेस्ट के लिए आपको अपने हाथ को एज ऑफ द बेड या फिर टेबल पर रखना है, अपने थंब को अंदर की तरफ प्लेस करना है ऐसे, एंड देन आपको फिस्ट बनानी है, और फिर आपको अपने हाथ को नीचे की तरफ ऐसे बेंड करना है। ऐसे करने में अगर यहाँ पे आपके पेन आता है देन ये टेस्ट पॉजिटिव है। विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी वी कैन मैनेज गेमर्स थंब, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें अपने थंब को अपनी लिटिल फिंगर तक टच कराना है, जिससे कि हमारे थंब में स्ट्रेच फील होगा। हम ऐसा अपनी बाकी फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि थंब से रिंग फिंगर, थंब से मिडिल फिंगर, थंब से इंडेक्स फिंगर। तो ऐसा करते हुए हमें 5 to 10 सेकेंड्स तक के लिए होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। ये भी हमें 10 टाइम्स करना है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमें एज ऑफ द बेड या टेबल पर अपना हाथ रखना है, थंब को ऐसे अंदर करना है और फिस्ट बनानी है, और फिर फिंकलस्टाइन टेस्ट की तरह नीचे और ऊपर फिस्ट को ऐसे करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो हम कोई कैन या बॉटल भी ले सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज इज रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विद माइल स्ट्रेच। तो फ्लेक्शन के लिए हम रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे एंड अपने दूसरे हाथ से माइल स्ट्रेच देंगे उसको। 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। एक्सटेंशन करेंगे एंड दूसरे हाथ से उसको होल्ड करेंगे और माइल स्ट्रेच देंगे। 5 सेकेंड्स तक होल्ड एंड देन रिलैक्स। फोर्थ एक्सरसाइज में हम रबर बैंड लेके ये मूवमेंट करेंगे, जिससे हमारा थंब के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए हम कोई भी स्क्वीजेबल बॉल या जेल बॉल लेंगे और बस उसको स्क्वीज करेंगे एंड देन रिलैक्स। स्क्वीज एंड रिलैक्स। हमें ये याद रखना है कि ये एक्सरसाइजेस हमें स्ट्रेंथनिंग वाली तब करनी है जब हमारा पेन थोड़ा रिड्यूस हो जाए।